प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नीमच नाके से क्रूजर गाड़ी से सागवान के 36 गट्टे जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे नाकेबंदी अभियान के तहत नीमच नाके पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान धरियाबाद रोड की तरफ से एक क्रूजर गाड़ी आती हुई नजर आई। जब उसे रुकवाया गया और चालक से उसका नाम पता पूछा गया तो वह घबराया हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस टीम ने क्रूजर गाड़ी के अंदर देखा तो काले कंबल के नीचे गीले सागवान के गट्ठे भरे हुए पाए गए, जिस पर पुलिस ने उक्त सागवान के गट्ठे की गणना की तो 36 गट्ठे पाए गए, जिस पर पुलिस ने 36 गट्ठे सागवान के व क्रूजर गाड़ी और साथ ही चालक श्याम पिता भोगजी मीणा निवासी रतनपुरिया थाना सुहागपुरा होना बताया गया, जिसे नाकाबंदी के दौरान सहायक उप निरीक्षक कमलेश कुमार, आशीष अमरचंद, मनोज कुमार जी की टीम कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। दिनांक 7/2/2023 को नीमच नाके पर मन एसआई कमलेश कुमार में जाप्ता नाकाबंदी कर रहे थे। दोनों ने नाकाबंदी एक क्रूजर गाड़ी दरियावद रोड की तरफ से आई, उसको रोका। मैंने ऐसे ही मैं जाता ने चेक किया तो पीछे कंबल काले कंबल रखे हुए थे, उनको हटाकर देखा तो उसके नीचे सागवान के लकड़ी गीली इमारती लकड़ी पाई गई। इनकी गिनती की गई तो 36 गट्टे होना पाया गया। मौके पर चालक श्यामलाल पिता भोगजी मीणा निवासी रतनपुरिया थाना सुहागपुरा को मौके से लाए और लकड़ी को जब्त किया, लाकर थाने पर कार्रवाई हेतु प्रकरण दर्ज कराया।